आज है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो देखो, अरब सागर शाखा की बात कर रहे तो बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्व, सॉरी, इस तरफ बंगाल की शाखा है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल की है। तो बंगाल खाड़ी की शाखा पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा नहीं करती, यहाँ उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। यह मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती हैं और वर्षा कराती हैं। ठीक, तीनों पहाड़ियों पर खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश, देखो वार्षिक वर्षा होती है यहाँ पे चेरापूंजी है खासी पहाड़ी पर, ठीक है, माजिन राम में 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है, जबकि मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सूरमा घाटी अमर में है। बंगाल खाड़ी की शाखा शिलांग पठार से अमर अटम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करती हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंच जाती हैं। शिलोंग पठार के बाद कोलकाता से हुगली से होते हुए बंगाल शाखा उत्तर के मैदान में प्रवेश करती हैं और कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचती हैं। यह कलकत्ता में दिल्ली की तरफ चलती घटती चली जाती हैं। कलकत्ता में 150 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। बट राजस्थान में वर्षा नहीं होती है बिकॉज ऑफ लो नमी एंड ITCZ। देखो वृष्टि छाया प्रदेश की बात करें तो, यानी कि रेन शेडो रीजन की, वृष्टि छाया प्रदेशों में हवाएं गर्म हो जाती हैं, हवा की धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और वह नमी नहीं छोड़ पाती हैं। मानसून का निवर्तन की बात करें तो रिट्रीट ऑफ द मानसून स्टेट जो है 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे भारत में हो जाता है। फर्स्ट राजस्थान से स्टार्ट होता है। इस काल में अक्टूबर से नवंबर में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तटीय मैदान पर होती है और पूर्वी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा को के कारण जो है अक्टूबर से आते आते वे और बंगाल से आने वाली हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी मानसून प्रवाहित होने लगता है और अक्टूबर के महीने तक आते आते बे ऑफ बंगाल अत्यधिक गर्म हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आर्द्र वजह प्रदान करता है। यह चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा में भ्रमण करता है। ठीक है, भारत में चक्रवात उत्पत्ति विशेषता संरचना और प्रभाव की बात करें तो भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है और पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर हो जाते हैं और आगे बढ़ते हुए पूर्वी घाट से टकराते हैं। परिणाम पूर्वी तटीय मैदान में चक्रवातों से वर्षा होती है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, सूर्य कर्क रेखा से नीचे को उतरने लगता है और परिणाम ITCZ की दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। 1 सितंबर तक आते आते ITCZ जो है प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण छोर को पार कर जाता है। इस प्रक्रिया में बंगाल की खाड़ी अत्यधिक गर्म हो जाती है और सागर हमेशा देर से गर्म होते हैं, इसलिए इसे गर्म होते होते सितंबर आ जाता है। बंगाल की खाड़ी की गर्म सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आर्द्र दशाएं प्रदान करती हैं जिसकी वजह से पूरी जटधारा पैदा होती हैं और जटधारा के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक है, और पूर्वी घाट से टकराकर उड़ीसा तट, आंध्र प्रदेश का रायसीमा तट, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर बारिश करते हैं। यह चक्रवात सितंबर से अंतिम सप्ताह अक्टूबर या नवंबर के प्रारंभ में बनते हैं। उत्तर भारत का मैदान भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली भी इफेक्ट होता है। ठीक है, चक्रवात तट से बहुत दूर अंदर तक नहीं जाती हैं पर उनकी हवाएं इफेक्ट डालती हैं दूर तक। अबाउट चक्रवात के बारे में बात करें तो उष्णकटिबंधीय धाराओं के केंद्र में निम्न दाब होता है। ये धाराएं, इनका अलग अलग वायु दाब होता है, चित्र में दर्शाया गया है। जैसे ये हवाएं बाहर से भीतर की तरफ प्रवेश करती हैं और सीधे ना प्रवेश करके चक्रवात रूप में प्रवेश करती हैं, चक्करदार रूप में। उत्तरी गोलार्ध में ये दिशाएँ एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, जबकि हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ बढ़ती हैं तो यह केंद्र पर नहीं पहुंच पाती, बल्कि यह एक निश्चित सीमा पर पहुंचने पर केंद्र से ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं। इस निश्चित सीमा को चक्रवात की आँख की दीवार कहा जाता है। चक्रवात की आँख के ऊपर आसमान बिल्कुल साफ होता है, बादल बाहरी क्षेत्र में होता है और चक्रवात की आँख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है, जबकि पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर हो सकता है। चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ के बारे में बात करें तो सागर सतह का तापमान 27 सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। उष्ण चक्रवात हमेशा पूर्वी तट पर बनते हैं बिकॉज यह गर्म जलधारा प्रवाहित होती हैं। कोरियोलिस बल का मात
जीरो से अधिक होना चाहिए। विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर या 10 डिग्री दक्षिण पर चक्रवात होते हैं। ऊर्जा का स्रोत सघनन की गुप्त ऊष्मा, वाष्प की गुप्त ऊष्मा, सघनन की गुप्त ऊष्मा। पत्ती जल वाष्प बन जाता है गर्मी से। चक्रवातों की मृत्यु कैसे होती है? देखो, चक्रवात की आँख को सघनन की गुप्त ऊष्मा मिलनी बंद हो जाए और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से ठंडे स्थानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। चक्रवातों में वर्षा सबसे ज़्यादा चक्रवात के आँख के दीवार पर होता है। चक्रवात के आँख में कुछ नहीं होता है। अब देखो, इंडियन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन है। मैनग्रोव सुंदरवन डेल्टा में है। सागौन एमपी में पाया जाता है। वन क्षेत्र आवश्यक है 1/3 यानी 33%। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नई वन नीति की घोषणा 1988 में हुई। इंडियन फॉरेस्ट एंड सेंटर की बात, ये जो है देहरादून में है FRI। NERI नागपुर में है। वन महोत्सव के जन्मदाता के एम मुंशी हैं 1950। और फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है एवरी सेकेंड ईयर आती हैं। ठीक है, वन रोपे और यानी कि और पेड़ लगाना। टोटल फॉरेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इंडिया की जो है 24.01% है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया एमपी में है। और सब प्रतिशत की तरफ से टोटल स्टेट सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। अवरोही क्रम में फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब में सबसे कम वन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट नीति जो है 1952 आई। इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया 1987 को। वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक राज कालगिरी पहाड़ियों में सागौन पाया जाता है। सहान वन अरुणाचल प्रदेश में और वैश्विक विरासत वन पश्चिमी बंगाल सुंदरवन बोला जाता है। ठीक है, अब नेचुरल वनस्पति की बात करते हैं तो भारत में वन वर्षा का अनुसरण करते हैं। भारत में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को उष्णीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वृक्षीय वन कहते हैं। भारत में कुछ क्षेत्र अधिक वर्षा वाले हैं। कम वर्षा वाले वनों में कटीले वन या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। 17 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से क्षेत्र में कटीले वन एवं झाड़ियाँ होती हैं क्योंकि जल पर्याप्त नहीं होता है। वनस्पतियों का एक महत्वपूर्ण विशेषता, वनस्पतियाँ स्वयं को पर्यावरण की दिशाओं में और जल की उपलब्धता के आधार पर ढाल लेती हैं। ये गुण करोड़ों साल से डेवलप हुआ है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जबकि अधिक उपलब्धता के कारण चौड़ी पत्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। वनों में ये वन अपनी चौड़ी पत्तियों का यूज करके भूमिगत जल का वाष्पोत्सर्जन करते हैं। लैंड से लीफ में, लीफ से वेपराइजेशन होता है। जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पंजाब, गुजरात, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में पठारी भारत के भीतरी भागों में वनस्पतियां स्वयं को बचाने के लिए अपनी लीफ को कांटों में बदल देती हैं ताकि वेपराइजेशन कम हो। हिमालय का तराई क्षेत्र यूपी से तमिलनाडु तक, एमपी से झारखंड तक है। वर्षा मानसूनी होती है, अर्थात मानसून काल में ही वर्षा होती है। इसके वन ग्रीष्म ऋतु से के आगमन से पहले अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। बिकॉज शीत ऋतु के बाद जब गर्मी आती है तो जल वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। उसकी सापेक्षित आर्द्रता काफ़ी घट जाती है जिसके चलते वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए इन क्षेत्रों में वृक्ष अपने पत्तियां गिरा देती हैं। ठीक है, इनको पतझड़ वन, पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन बोला जाता है। पर्वतीय वनों की बात करें तो वर्षा का अनुसरण नहीं करते, ढाल का अनुसरण करते हैं। बिकॉज ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में गिरावट आती है। इसमें अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं जैसे हिमालय से के तराई क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं और ऊंचाई में जाने पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं लाइक देवदार, और ऊंचाई में कोणधारी वन पाए जाते हैं, और ऊंचाई में टुंड्रा अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, काई घास लाइकिन वगैरह आ जाती हैं फिर। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा है प्राकृतिक वनस्पति, उसके प्रकार, उसकी विशेष वृक्ष विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहले सदाबहार वन आते हैं जिन क्षेत्रों में तापमान अधिक पाया जाता है और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अबनूस, अबोनी, महागनी, राजपुर, नारियल, ताड़, बांस, रबर, सिमकोना पाए जाते हैं। चार क्षेत्र हैं, पश्चिमी घाट, तराई क्षेत्र, शिलोंग पठार और अंडमान निकोबार। दूसरा मानसूनी वन होते हैं, पतझड़ वाले वन विरल वन होते हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल शीशम, साल, सागौन, साखू, आम, आंवला, चंदन ऐसे पाए जाते हैं यहाँ पे। जो तीसरा जो है कटीले वन और झाड़ियाँ होती है, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रकृति ने वाष्पीकरण से बचाने के लिए कांटे प्रदान कर दिए। बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, बेर, कटीले, कांटेदार वृक्ष हो गए। ठीक है, अगला हमारा आता है ज्वारीय या मैनग्रोव वन।
सीमित क्षेत्र में है, जो कि विशेषताएं हैं लंबे वृक्ष, सघन वन, जीव वनस्पतियों की विविधता, कठोर लकड़ी के भंडार हैं, आर्थिक उपयोगिता के लिए सीमित हैं ये। ठीक, अब देखो प्राकृतिक वनस्पतियों में ही चौथा हमारा पर्वतीय वन होता है, हिमालय से दक्षिण, हिमालय हो गया और दक्षिणी पर्वत में पाए जाते हैं। और हिमालयी वन जो है, हिमालय पर ऊंचाई पर जाने पर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के फॉरेस्ट हमें पाए जाते हैं। 1500 मीटर पर सदाबहार पतझड़ वन, 2500 में देवदार, ओक वृक्ष ऐसे वाले, और 4500 में कोरधारी वन पाए जाते हैं, और फिर 4800 में हमको टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, फिर उसके बाद बर्फकाई घास वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो 1500 मिश्रित वन जो है एवरग्रीन एवं पतझड़ फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। यहाँ पे देवदार का वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। दक्षिण भारत के पर्वतीय फॉरेस्ट जो हैं, साउथ इंडिया में पर्वतीय फॉरेस्ट नीलगिरी फॉरेस्ट पर पाए जाते हैं, अनामलाई पर्वत, पालनी पर्वत, तीनों पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र में शीतोष्ण पाए जाते हैं। इन्हें साउथ इंडिया में सुलास कहा जाता है, लारल, मैग्नोलिया, सिमकोना, यहाँ कोरधारी वन नहीं पाए जाते हैं बिकॉज यहाँ पर्वतों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। ज्वारीय वन या डेल्टा वन की बात करें तो भारत में तटीय क्षेत्रों में नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें डेल्टाई वन या ज्वारीय वन कहा जाता है। ज्वारीय वन ईस्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं, गुजरात। में भी पाए जाते हैं, लकड़ी कठोर होती है, जड़ें पानी से बाहर निकली हुई होती हैं। इन वनों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी, कसनुरीना, फोनेबस, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात तट यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला चैप्टर हमारा होगा सॉइल।